व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक है और आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट्स टेबल आईपीएल 2020 की जो अभी रिसेंटली चल रही है। वैसे तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में, जो 1 और 2 पे आ चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स ऑलरेडी सेकंड पे थी बट अब खिसक गई है नीचे, बहुत बड़ी शिकस्त मिली थी सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस, अगर इनका मुकाबला होता है, मुंबई अगर यहाँ पे मुकाबला जीत जाती है तो 1 या 2 पे स्पॉट पे वो फिक्स आउट हो जाएगी, उसके नीचे वो नहीं जाएगी उसके बाद, क्योंकि इनका नेट रन रेट जो है वो काफ़ी हद तक हेल्दी है और अच्छा खासा है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अगर यहाँ पे जीत जाती है तो 1 और 2 के लिए उनके लिए अभी भी रेस लगी रहेगी, क्योंकि वो 16 ही अंक पे आएगी और नेट रन रेट फिर से बता दूँ बहुत अच्छा नहीं है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का यहाँ पे। सो अगर MI जीतती है तो उनके आखिरी जो 2 मुकाबले रह जाएंगे वो दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ रह जाएंगे। वहाँ पे ऑलमोस्ट आई गेस इजी रहेगा मुंबई इंडियंस के लिए, दिल्ली कैपिटल्स उनके बराबरी की टीम ही रहने वाली है, टॉप 3 में उन्हीं के रेस में है, तो ये एक जो मुश्किल वाली बात है कि दिल्ली कैपिटल्स उनके साथ खड़ी है टॉप 3 में। रेस्ट ऑफ ऑल सनराइजर्स हैदराबाद से इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हैदराबाद 4th स्पॉट के लिए लड़ाई कर रही है, 1-2 के लिए वैसे भी जानती है हैदराबाद कि वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकती है। और RCB की अगर बात करूँ, यहाँ पे RCB के जो आखिरी के कुछ मुकाबले रह गए हैं वो मुझे देखने में मिल रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद से है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का और साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स। अच्छा, दिल्ली और RCB के बीच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि अब यहाँ से RCB और दिल्ली दोनों की रेस लगी रहेगी, नंबर 2 या 3 के स्पॉट पे लगी रहेगी। जो भी यहाँ जीत जाता है, ज़्यादा मैचेस जीतता है अच्छे रन रेट के साथ, वो सेकंड पे आ जाएगा और जो अच्छा थोड़ा सा भी खराब परफॉर्मेंस करेगा वो 3rd स्पॉट पे रहेगा। सो ये बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है दोनों ही टीम्स के लिए और बड़ा कॉम्बैट है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स बहुत बड़ी फाइट है। बात करें अब अगर नीचे के स्पॉट की, नंबर 4th स्पॉट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा अभी तक, किंग्स इलेवन पंजाब, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, ये चारों ही टीम बनी हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है वो हैदराबाद और राजस्थान के लिए, क्योंकि वो मैक्सिमाइज अब यहाँ पे 14 पॉइंट्स पे जा सकती है, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब जो कि 16 अंक पे जा सके, अगर वो अपने मैचेस राजस्थान रॉयल्स से हार जाती है और CSK से एक आध जीत भी जाती है तो वो भी 14 अंक पे आ जाएगी, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो मैच बराबरी पे आ जाएगा। KKR की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो KKR की जो मैचेस रह गए वो है राजस्थान रॉयल्स से और साथ ही साथ आपको देखने मिलेगा चेन्नई सुपर किंग्स से। तो जैसे कि KKR जिनको फेस करेगी, ठीक वैसे ही किंग्स इलेवन पंजाब भी उन्हीं टीम को फेस करने जा रही है, तो दोनों के लिए ही बड़ा चैलेंज होने वाला है। और आई गेस अगर राजस्थान यहाँ से अपने दोनों मैच सील कर देती है तो 14 अंक दोनों को ही मौका मिल जाएगा, कोलकाता भी 14 पे आ जाएगी और किंग्स इलेवन पंजाब भी 14 अंक पे ही क्वालिफाई करेगी। तो राजस्थान को अपने दोनों मैचेस जीतने ही पड़ेंगे अब यहाँ से। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मुसीबत अगर देखा जाए तो ज़्यादा बड़ी है, हैदराबाद को यहाँ से जीतना होगा 2 सबसे बड़ी साइड से, यानी मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, 2 सबसे बेस्ट टीम्स जो कि अभी 1 और 2 के स्पॉट पे हैं। बट वी नो दैट हैदराबाद ने प्रीवियस मुकाबले में जब उन्होंने DC को हराया तो वो जानती थी वो डू एंड डाई मैचेस, अगर वो यहाँ से अच्छा नहीं करती है तो ऑलरेडी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो हम यही देखने मिलेगा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव रहेगी। हैदराबाद के पास जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि वो IPL का लास्ट मैच खेलेगी, दैट मीन्स अगर कुछ भी 14 पॉइंट्स पे उनका जैसे भी पॉइंट्स आते हैं 12 पॉइंट्स हो जाते हैं 14 पॉइंट होते हैं, लास्ट में मुंबई के अगेंस्ट स्कोर करना होगा तो अगर कैसा भी रन रेट वो अपना ऊपर नीचे मैनेज जैसे उनको करना है वो कर सकती है। उनको अगर बढ़ाना है नेट रन रेट तो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट शारजा जैसे मैदान पे अपना पूरा मैनेज कर लेगी। तो हैदराबाद का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि उनका लास्ट मैच है IPL का, उसके बाद कोई भी टीम खेलेगी नहीं, क्योंकि उसके बाद आपके प्लेऑफ्स और फाइनल स्टार्ट हो जाएंगे। तो हैदराबाद इज एट द बेनिफिट, किंग्स इलेवन पंजाब KKR इनके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि अभी आपको CSK और राजस्थान रॉयल्स जो टेबल में एकदम लास्ट है उनसे मिलना है। राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करूँ उनके लिए डू एंड डाई मैचेस है, अगर वो अच्छा नहीं करती वो जानती है वो बाहर हो जाएगी वहाँ पे। किंग्स इलेवन पंजाब KKR उनके पास एक एक मौका और भी रहेगा अगर हार जाती, क्योंकि वो उसके बाद भी 14 अंक पे जा सकती है। सो राजस्थान डू एंड डाई मैचेस रहेंगे, जैसे हैदराबाद एग्रेसिव खेल लिए मैं यही उम्मीद करूंगा कि राजस्थान रॉयल्स भी ऐसा ही खेले KKR और KXIP के खिलाफ, तभी तो मजा आएगी IPL की, 14 अंक पे सारी टीम्स भिड़ेंगी और नेट रन रेट पे सारी बात आएगी। और नेट रन रेट की अगर बात करूँ ना, हैदराबाद बहुत आगे वहाँ पे, क्योंकि 0.396 और अगर बात करूँ सब टीम में, 8 टीम्स में ना, तो मुंबई इंडियंस के बाद इनका बेस्ट नेट रन रेट है। इनके सारे बैट्समैन फॉर्म में चल रहे हैं, रिद्धिमान शाह ने बहुत अच्छा खेला है। चेन्नई सुपर किंग्स ऑलरेडी टूर्नामेंट से वैसे तो बाहर हो चुकी है, लास्टली जो टीम अब हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स यानी टूर्नामेंट से बाहर है, बट किंग्स इलेवन पंजाब और KKR इनका ये गेम बिगाड़ सकती है। अगर आप यहाँ पे CSK अगर अपनी नाक बचाना चाहती है, अपने दोनों मुकाबले यहाँ पे जीत जाती है पंजाब से और KKR से, तो इन्हीं दोनों टीम्स का जो पूरा मैनेज इनका चल रहा है ना 16 अंक का, वो सब बिगड़ जाएगा, ये 14 अंक पे आके फंस जाएंगी और लास्टली नेट रन रेट फंस जाएगा।
और जो सबसे बड़ी दिक्कत नेट रन रेट की इस बार रहने वाली है वो रहेगी राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के लिए, क्योंकि इन दोनों ही टीम्स का बहुत गंदा रन रेट चल रहा है। जो टीम्स क्वालिफाई कर सकती है उस हिसाब से केकेआर और राजस्थान नेट रन रेट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अगर 14 अंक आप ले भी आते हो तो नीचे से जो टीम 14 अंक पे आएंगी वो आपको सील आउट ऊपर निकल जाएंगी आपसे, क्योंकि उनका नेट रन रेट बहुत बेटर रहेगा। राजस्थान इस वक्त बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में है। जो सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त आई गेस रहने वाली है वो रहेगी और किंग्स इलेवन पंजाब के लिए, क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब अगर देखा जाए तो वो अपना लास्ट मुकाबला सीएसके के खिलाफ खेलेगी और उसके बाद राजस्थान और केकेआर का भी एक मुकाबला होगा। दैट मीन्स केएक्सआईपी मुकाबला एक जैसी खाली होगी अपना खेल के, उसके बाद एक मुकाबला होगा केकेआर और राजस्थान में, तो वहाँ पे अपना नेट रन रेट मैचअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नेट रन रेट राजस्थान को अच्छा खासा चाहिए तो उन्हें बहुत जल्दी स्कोर को चेस करना होगा या बहुत ज़्यादा रन से डिफेंड करना होगा। सो केकेआर और राजस्थान के पास ये बेनिफिट है। केएक्सआईपी इस वक्त लॉस में है। ओवरऑल अगर देखा जाए आठों टीम्स बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, चेन्नई ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। वो बैड लक होता है, किसी ना किसी साल ऐसा ज़रूर हो जाता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, बट देन ऑल्सो हम 2021 में अच्छा उम्मीद रखेंगे। फिलहाल टॉप चार टीम इस वक्त टॉप थ्री तो आ चुकी हैं, फोर्थ स्पॉट के लिए बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है, क्योंकि आपको यहाँ से कोई भी आप मैच छोड़ नहीं सकते। मैचेस जो वॉच आउट फॉर होने वाले हैं वो होने वाले हैं सीएसके पंजाब, क्योंकि यहाँ पे पंजाब को अपना मैच जीतना ही जीतना होगा। और जो सबसे बड़ी बैटल होगी वो होगी डीसी और आरसीबी की, जो कि होगी मंडे सेकेंड 55th मैच होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। और जो थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच अगर मैं कहूँ इन सब का वो होने वाला है केके और राजस्थान रॉयल का, क्योंकि यहाँ से अगर राजस्थान को अपना क्वालिफाई करना होगा तो अच्छे रन रेट से जाना होगा। केके आर फिर से अगर क्वालिफाई करना है तो मैच को ही जीतना होगा, और इनफैक्ट उससे पहले भी उनका जो मुकाबला होगा केके आर का वो भी उनको जीतना होगा। तो दोस्तों लास्टली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और थोड़ी लंबी हो गई तो माफ़ करना, शेयर भी जरूर करना, और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती रहेगी। कोई अगर दिक्कत हो, कोई इशू हो, कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रही हो तो मुझे कॉमेंट करके आप जरूर पूछिए। धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।